आज खौफनाक नाइट्स में हम जा रहे हैं एक रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में, जिसे कहते हैं टोमिनोज हेल। यह कोई अर्बन लेजेंड या कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक पोएम है। जी हाँ, टोमिनोज हेल एक कर्स जापानीज पोएम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले की मौत हो जाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज मैं इस पोएम के बारे में सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ मिलती रहेगी। टोमिनोज हेल एक जापानीज पोएम है, जिसे 1919 में साइजो यात्सो ने लिखा था। 1920s में जापानीज लोगों का यह मानना था कि जो भी इस पोएम को जोर जोर से पढ़ेगा उसके साथ भयानक हादसा, एक्सीडेंट या फिर मौत भी हो सकती है। और बस यही नहीं, मरने के बाद भी उस इंसान की आत्मा हेल में सफर करने लगेगी। तो ये बिलीव कब से स्टार्ट हुआ? जब टोमिनोज हेल पोएम पब्लिश हुआ और लोग उसे पढ़ने लगे, लोगों के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होने लगे, इन सम केसेस लोगों की मौत भी होने लगी। जब बहुत सारे रीडर्स के इसे पढ़ने के बाद ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे, तो लोगों ने यह मान लिया कि टोमिनोज हेल कर्स्ड है। यहाँ तक कि जो टोमिनोज हेल पोएम की ओरिजिनल जापानीज बुक है, उसके फैन पेज में भी यह वार्निंग दी गई है, इफ यू रीड दिस बुक आउट लाउड ट्रेजिक थिंग्स विल हैपन। यानी कि अगर तुम इस बुक को जोर जोर से पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ दर्दनाक हादसाएं होगी। हालांकि यह पोएम काफी पुरानी है, इसलिए इसका ओरिजिनल बुक मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इंटरनेट में इस पोएम के काफी ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं। लोगों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस पोएम को जोर जोर से पढ़ा, लेकिन इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ने पर इसका कोई असर नहीं दिखा लोगों को, शायद इसलिए कि ओरिजिनल जापानीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता। लोगों ने इसका गलत ट्रांसलेशन किया होगा और ओरिजिनल जापानीज जितनी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो क्या है इस पोएम में? टोमिनो सेल पोएम में एक छोटे बच्चे टोमिनो की कहानी है। टोमिनो एक छोटा सा बच्चा था जिसे उसके पेरेंट्स और बड़ी बहनें पसंद नहीं करते थे। टोमिनो की दोनों बड़ी बहनें उसको टॉर्चर किया करती थी, उसे भूखा रखती थी और उसे विक से मारा करती थी, और फिर बेचारे टोमिनो की इन सब के कारण मौत हो जाती है, और मौत के बाद टोमिनो की आत्मा हेल में सफर करती है। टोमिनो के मौत के बाद उसके पेरेंट्स ने उसके लाश को एक डार्क कॉफिन में बंद कर दिया। उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं था, या फिर उसके कॉफिन में फूल देने वाला भी कोई नहीं था। अब हम बात करते हैं इसके राइटर साइजो यात्सो के बारे में। साइजो ने इस पोएम को अपनी बहन या पापा के मौत के बाद लिखी थी। कोई एविडेंस तो नहीं है, पर लोगों का यही मानना है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें अपने किसी करीबी की मौत के बाद इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, या फिर उनके लाइफ में कोई ट्रेजेडी रही होगी जिसमें उन्होंने अपने ही लाइफ को उस बच्चे टोमिनो के साथ कंपेयर की होगी, जिसकी लाइफ हेल की तरह थी। तो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? खैर, जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं कि ये पोएम सच में कर्स्ड है और उन्होंने इस पोएम को पढ़ने के बाद कुछ महसूस किया है। तो वही दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस पोएम को ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि जापानीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी जोर जोर से पढ़ा है, और वो लोग आज तक जिंदा है, उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो क्या ये पोएम सच में कर्स्ड है? अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मेरा मानना है कि शायद कोई कोइंसिडेंस होगी, क्योंकि टोमिनो सेल काफी दर्द भरा है, तो कोई भी इस पोएम को पढ़ने के बाद इमोशनल हो जाता होगा। चूंकि यह मानना है कि ये पॉइंट कर्स्ड है, तो लोगों में पहले से ही ये डर और बिलीफ है कि इसको पढ़ने के बाद उनके साथ कुछ गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ वही होता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो हमारे साथ किसी न किसी तरह से बुरा होने ही लगता है। शायद लोगों को हेलुसिनेशन होता होगा, या फिर उनके साथ कुछ भी बाई चांस बुरा हो तो उसे उस पोएम के साथ रिलेट करने लगते हैं। लेकिन प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस पोएम को पढ़ने की कोशिश ना करें।
और ना ही किसी को ऐसा करने की चैलेंज दे, क्योंकि हमारी लाइफ सबसे ज्यादा कीमती है। तो यह थी टॉमिनोज पोएम की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।